हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यह वीडियो जीलेट से रिलेटेड कैंडिडेट के लिए, चाहे वो फार्मा के स्टूडेंट हो चाहे वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, उन दोनों के लिए ये वीडियो स्पेशली बनाया जा रहा है। कितने टोटल सीट्स हैं जीलेट में, कैंडिडेट जितने भी हमारे अपीयर है यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे जीलेट के एग्ज़ाम के लिए, आज वो इस वीडियो के दौरान देख सकते हैं कितने टोटल सीट्स अवेलेबल है इंडिविजुअल हर स्ट्रीम के एंड हर कॉलेज का। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, चलिए वीडियो को देखिए। ये शुरू हो चुका है वीडियो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने कितने सीट्स हैं। यहाँ पर ओपी का मतलब होता है जनरल सीट्स, जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए ये सारी सीट्स हैं। ओके, जितने भी हमारे कैंडिडेट एससी एसटी ओबीसी ये सारे कैंडिडेट होते हैं यहाँ पर जीलेट में, तो काफ़ी सीट्स कम होते हैं जिनके दौरान वो लोग भी आपके जनरल में ही काउंट होते हैं, तो इसलिए इतना घबराने का नहीं है। ओके, यहाँ पर सभी हमारे जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे एग्ज़ाम में, ये सारे जनरल है जितने भी पास हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एससी हूँ एसटी हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर स्पेशल कुछ क्राइटेरिया दिया जाता है तो वो अलग बात है, वो कॉलेज पर डिपेंड करता है, बट जीलेट में आपके जितने भी क्राइटेरिया वाइज आपके कैंडिडेट है यानी कास्ट वाइज, वो सारे जनरल में ही काउंट होते हैं। ओके, यहाँ से मैं वॉइस को म्यूट करता हूँ। आप फ्रीली इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट करिएगा मुझे कि आपको और किस तरह का वीडियो लगेगा।